डरें ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें मंजिलों की ओर हम, कुछ भी ना मिला तो क्या तजुर्बा तो होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत दिनों तक जब कोई फैमिली व्लॉग नहीं आता है तो आपके मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा दिन मेरी ज़िंदगी का आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी शुरुआत होती है मम्मा की पूजा और मेरी मेडिटेशन के साथ। उदय को उठा के मैं नीचे आ गई हूँ। मुझसे पहले एक बार उसे अलेक्सा भी उठाती है, लेकिन उठता वो मेरे उठाने पे ही है। और उसके बाद शुरू हो जाती है किचन की डेली रूटीन। उदय के टिफ़िन्स के लिए प्याज, शिमला मिर्च और पनीर के साथ एक बहुत ही सिंपल सी सब्जी बना दी है, जिनको मैं फिल कर दूंगी रोटी में। थोड़ी सी मिंट सॉस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। रोल बनाने के लिए कई बार मैं बटर का यूज़ कर लेती हूँ। टोमेटो केचप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास हरी चटनी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से मेरे पास काफ़ी टाइम होता है, इसलिए मैं लंच भी इसी टाइम रेडी कर लेती हूँ। लेकिन सबसे पहले उसका टिफ़िन रेडी करना ज़रूरी होता है। आई थिंक मेरी तरह ही आप सबकी सुबह की शुरुआत भी बच्चों के टिफ़िन से ही होती है। बच्चे छोटे होते हैं तो ये भागम भाग और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें रेडी होने में भी हमारी हेल्प की ज़रूरत होती है। लंच इसी वक्त रेडी कर देने से मैं काफ़ी फ्री फील करती हूँ, क्योंकि कई बार हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं ऑफिस के लिए, कई बार लेट जाते हैं। तो अगर मेरी सब्जी या दाल जो भी है वो रेडी है तो फटाफट चपातियाँ लगा के उन्हें मैं सर्व कर सकती हूँ, जिससे आपका बाकी का शेड्यूल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। सुबह के इस टाइम का मैक्सिमम यूज़ मैं अपना काम ख़त्म करने में कर लेती हूँ। तो आज लंच में बना रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। बहुत ही सिंपल है, कोई भी स्पेशल रेसिपी नहीं है। ग्रेवी बनाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आई थिंक लौकी के कोफ्ते सब लोग इसी तरह से बनाते हैं। अगर आप में से किसी के कोफ्ते फट जाते हैं, यानी कि जब वो उनको फ्राई करते हैं तो कभी वो स्टिकी हो जाते हैं, या फिर बीच में से उनका जो मटीरियल है वो निकल जाता है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि लौकी पानी छोड़ती है, और अगर पानी अच्छे से नहीं निकला हो तो ऑब्वियसली वो प्रॉपरली फ्राई नहीं होंगे। तो उसके लिए बेटर वे है कि आप किसी मलमल के कपड़े में उनको डाल के निचोड़ें, और मेक श्योर कि आपने लौकी का सारा पानी अच्छे से निकाल दिया है। इस तरह बनाने से आपके कोफ्ते कभी भी नहीं फूटेंगे। और ये पानी जो है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको सेव कर लेना है, क्योंकि ग्रेवी के लिए भी हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा अदरक डाला है इसमें, सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, साथ ही जीरा पाउडर डाला है, और डाल देंगे थोड़ा सा बेसन, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। घर का फ्राई किया हुआ खाना बुरा नहीं होता है, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि जब भी आप कोफ्ते बनाते हैं तो डिनर में कभी ना बनाएं, इनको हमेशा लंच में बनाएं। डिनर के टाइम पे जब भी आप कोई फ्राई की हुई चीज़ खाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्स्ट्रा बर्डन दे रहे हैं उस टाइम पे जब वो रेस्टिंग मोड में जा रहा है। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और जब तक तेल गर्म होगा तब तक दूसरी तरफ मैं सारे के सारे कोफ्ते एक ही बार में बना के साइड रख लूँगी और उनको फ्राई करती जाऊँगी। डार्क ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इन्हें फ्राई करना है। सात से आठ मिनट में कोफ्ते मेरे रेडी हो गए थे। तो अब मैं जीरा डाल रही हूँ पैन में, और साथ ही हींग डाला है, ग्रेवी रेडी कर लेंगे इसकी। अनियन डाल दिया है कटा हुआ, साथ ही ग्रीन चिलीज डाली हैं थोड़ी सी। नॉर्मल तड़का हम जैसे लगाते हैं वैसे ही तड़का लगा रही हूँ मैं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। उसके बाद सीजनिंग डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। नमक डाला है मैंने, हल्दी डाल दी है, साथ ही रेड चिली पाउडर डाल देंगे, और साथ ही थोड़ा सा तेल डाला है मैंने, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट डालना मैं भूल गई थी। तो उसको मैं अलग से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, और उसके बाद सारी चीजें बीच में मिक्स कर दूंगी। टमाटर अच्छे से गल जाएं तो फिर उसका पेस्ट बना लेना है। आमचूर पाउडर डाला है, साथ ही जीरा पाउडर डाल दिया है, और गरम मसाला डाल दिया है। वो पानी जो हमने लौकी को निचोड़ के निकाला था वो पानी भी साथ में ऐड कर दिया है। थोड़ा सा गर्म पानी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है ताकि इसकी ग्रेवी बहुत ज्यादा थिक ना हो जाए। और लास्ट में डाल दिया है मैंने काजू का पेस्ट, इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए। कोफ्ते में अभी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, ग्रेवी में कोफ्ते में अभी नहीं डालूंगी। जब हम लंच करेंगे तो उससे 5-7 मिनट पहले ही डालूंगी।
जाएगी। और साथ के साथ एग भी बॉयल हो गए हैं। उदय ब्रेकफास्ट में खास कुछ खाता नहीं है, कई बार एग दे देती हूँ बॉयल करके, दूध पीने का मन हो तो पी लेता है और कई बार वो भी छोड़ जाता है। प्री एनुअल्स हो चुके हैं और फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सभी बच्चों को मेरी एडवाइस है कि आज से ही अपना टाइम टेबल बनाएं और अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। जिन चीज़ों में डिफ़िकल्टी आती है उन्हें मॉर्निंग में एक बार ज़रूर रिवाइज करें। Bye. स्टफ़ी को वॉक से लाके उसका खाना रेडी कर रही हूँ। उसको खाना देने के बाद ही मैं ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी, तो ब्रूनो भी बाहर ही बैठा है तो दोनों को खाना एक साथ दे दूँगी। ब्रूनो रूनू चलो आओ खाना खाओ। चलो आओ आओ जल्दी सब ईट स्टफ ईट स्टफ ईट। अच्छा इधर आओ मैं खिलाऊं। आओ मैं खिलाती हूँ। कम ऑन, जितने नखरे चल रहे होते हैं ना, पहले मेरे को दो तीन बाइट्स खिलाओ फिर मैं खाना खाऊंगा। क्या ड्रामा है ये नया ड्रामा शुरू किया है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और छोटा बेबी बनता जा रहा है। चलो खाओ, अब खाओ जल्दी, चलो ईट। ये आजकल स्टफ़ी ने नया नाटक शुरू किया है ब्रेकफास्ट टाइम पे कि मुझे पहले दो तीन बाइट्स खिलाओ फिर मैं खाना ख़त्म करूँगा। कई बार तो ब्रेकफास्ट ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, क्योंकि जो एक को खाना है वो दूसरा नहीं खा सकता। तो पापा और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ मैं ब्रेड ऑमलेट। उदय बॉयल एग और दूध पी के गया है, मम्मा के लिए बनेंगे सैंडविचेस। और दूसरे तवे पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ब्रेड सेक रही हूँ, मम्मा के लिए सैंडविचेस बनाने हैं। थोड़ी सी मिंट सॉस लगाई है मैंने एक स्लाइस पे और दूसरी स्लाइस पे मैंने मेयो लगा दी है। आप सभी जानते हैं कि मम्मा वेजिटेरियन हैं, वो एग भी नहीं खाते हैं, तो बस जो सब्जी मैंने सुबह उदय के लिए बनाई थी वही मैं उस ब्रेड में फिल कर दूंगी। चाट मसाला डाला है थोड़ा सा और इसको सेक के बस उनके सैंडविचेस रेडी हो जाएंगे। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में सभी लोग दूध पी लेते हैं सिर्फ मुझे छोड़ के। मुझे दूध की बजाय दही खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। पापा अभी बॉक्स से वापस नहीं आए तो उनके लिए ऑमलेट मैंने बना दिया है, जैसे ही वो आएंगे उनको सर्व कर दूंगी। तक मैं अपने लिए जूस बना लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि कभी कभी ब्रेकफास्ट काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट बन रहा है। अपने लिए मैं आज ब्रेकफास्ट में सिर्फ जूस लूँगी, क्योंकि इसके बाद मैं अपना वर्कआउट करूँगी जो कि मैं आज शाम को नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि उदय की साइकिल का टायर पंचर हो गया है तो इसलिए उसे ट्यूशन पे भी पिक एंड ड्रॉप मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो आजकल वो खुद ही जा रहा था। और शाम को मार्केट का भी कुछ काम है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मेरा वर्कआउट स्किप हो जाएगा, तो स्किप करने से अच्छा है कि उसे अभी कर लिया जाए।
और उसके बाद पापा भी आ गए एंड ही इज़ हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। जैस्मिन के ब्रेकफास्ट में है ओट मील प्लस 2 egg whites। मैडम आजकल डाइट फॉलो कर रही है क्योंकि हमें वेट लूज़ करना है ट्रिप पे जाने के लिए। फेब के फर्स्ट वीक में गोवा जा रही है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट लूज़ करना चाहती है और मुझे कहा गया है कि मम्मा प्लीज़ थोड़ा सा वेट लूज़ करवा दो, उसके बाद आप जैसे कहोगे मैं वैसे ही डाइट लूँगी। रात को 2-3 बजे तक बैठ के उसे पढ़ना होता है तो इसलिए सुबह वो लेट उठती है, मैं भी नहीं उठाती हूँ ताकि वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सके। ब्रेकफास्ट डन हो चुका है और लंच भी रेडी है तो बस घर और घर की चीज़ों का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना हम खुद का ख्याल रखते हैं। तो नाउ इट्स क्लीनिंग टाइम। डेली किसी ना किसी एरिया की क्लीनिंग करने से घर हाइजीन रहने के साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रहता है। इसके बाद शुरू होता है मेरा वर्कआउट और आज का मेरा वर्कआउट है 10 times स्टेयर्स अप एंड डाउन फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू टॉप फ्लोर और मेरे साथ स्टफी भी ये वर्कआउट कर रहा है। जब आपके पास वक्त कम हो तो ये एक्सरसाइज बहुत काम आती है। सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना आपके ब्रेथ रेट को हाई करता है जो कि कैलोरीज बर्न करने का बेस्ट फॉर्मूला है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास डेली 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट करने के लिए नहीं है तो आप खुद को फिट नहीं रख सकते। डेली 15 मिनट्स की ऐसी ही कोई एक्टिविटी प्लस अपनी डाइट में पोर्शंस को कंट्रोल करके आप हमेशा खुद को फिट और एक्टिव रख सकते हैं। आप चाहे डेली वॉक ही क्यों ना करें लेकिन उसमें भी रेगुलरिटी होनी चाहिए और ये कभी ना भूलें कि डाइट हमारी हेल्थ में एक मेजर रोल प्ले करती है। 10 times सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में मुझे 14-15 मिनट्स लगे थे जिसके बीच में मैंने एक बार 1 से 1.5 मिनट का ब्रेक लेके पानी भी पिया था और उसके बाद पुशअप्स, एब्स एक्सरसाइज और लव हैंडल्स के लिए सिर्फ 2-2 सेट ही लगाए थे। चाहे मैंने आज एक्सरसाइज कम की है लेकिन स्किप करने से अच्छा है कि आपने कुछ तो किया। इससे पहले कि हस्बैंड रेडी होके नीचे आए मैं शार लेके किचन में पहुंच चुकी थी। आके मैंने सबसे पहले चपातियां लगाई और अब सैलड रेडी कर रही हूँ। सब्जी आप सब जानते हैं कि सुबह ही मैंने बना ली थी और सैलड का नाम है गाजर टोमेटो कोशंबीर। गाजर को क्रश कर लिया है, टोमेटोज डाल के लेमन डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और सॉल्ट डाल दिया है। बस साथ ही में ग्रेवी को गर्म करके उसमें कोफ्ते भी डाल दिए और साथ ही डाल दिया थोड़ा सा हरा धनिया। अगर मैं सुबह ही ग्रेवी में कोफ्ते डाल देती तो वो सारी ग्रेवी को अब्जॉर्व कर लेते और ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ जूस लिया था और वर्कआउट भी किया था तो लंच टाइम तक मुझे काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी और अगर तेज़ भूख लगी हो और सब्जी भी टेस्टी बनी हो तो खाना खाने का स्वाद बढ़ जाता है। लंच करने के बाद डिशेस क्लीन करके और किचन क्लीन करके मैं और मम्मा धूप में बैठ जाते हैं और इस विंटर तो सन बहुत मुश्किल से देखने को मिला है और एक चीज़ हम सब में कॉमन है कि जब भी हम लोग धूप में बैठते हैं तो मूँगफली और गच्चक की मंचिंग चलती रहती है और साथ में गपशप भी। और देखते ही देखते उदय भी स्कूल से आ गया और कौन कहता है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। हाँ, देखने में जरूर बड़े हो गए हैं लेकिन मैं ज्यादा प्यार किससे करती हूँ ये सवाल अभी भी अक्सर दोनों मुझे पूछते हैं और ये सब देख के स्टफी का जेलस होना ऑब्वियस है। सुबह जो कपड़े वॉश किए थे उन्हें उतार लाई हूँ, आज धूप बहुत अच्छी थी तो एक ही धूप में कपड़े सूख गए हैं। इसके बाद 1 घंटा मैंने रेस्ट किया और उसके बाद टाइम हो गया उदय को ट्यूशन छोड़ने जाने का। बाय। उसके बाद पेट्रोल पंप पे गई पेट्रोल फिल करवाने के लिए। फुल कर लो। इसके बाद जाऊंगी ग्रोसरी स्टोर पे, एक दो आइटम्स मुझे लेनी है। मार्केट से घर वापस आके सिर्फ चाय ही पी थी कि उदय को वापस लाने का टाइम हो गया। हाय। होगी पढ़ाई? पुनीत अकेला बैठा है, स्टफी नहीं आया? ना तो स्टफी को बाहर निकालना ना। मैं जैसे ही बाहर निकली थी ब्रूनो अंदर चला गया था क्योंकि ये टाइम स्टफी और ब्रूनो दोनों के खेलने का होता है और 30-40 मिनट तक दोनों अपनी एनर्जीज बर्न करते हैं। बस ब्र
ब्रूनो और स्टफी दोनों को ही सारे इंजेक्शंस लगे हुए हैं, तो एज सच कोई डरने वाली बात नहीं है अगर दोनों साथ में खेलते भी हैं तो, और दोनों को एक दूसरे की कंपनीज बहुत पसंद हैं। इसके बाद फिर वही किचन में जाना। अब बना रही हूँ मैं डिनर के लिए दाल, उसकी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज डिनर में मैं बना रही हूँ धुली मूंग। हस्बैंड के ऑफिस से घर वापस आने की जिस तरह से खुशी स्टफी एक्सप्रेस करता है उस तरह से और कोई नहीं कर पाता। ये बेजुबान इस तरह से हमारी फैमिली का पार्ट बन गया है कि इसे ढेर सा प्यार देने को मन करता है। खाना वाना खा के पापा और मम्मा तो टाइमली सोने चले जाते हैं और बस हमारी भी सोने की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। बस मैं किचन क्लीन कर रही थी और हस्बैंड यहाँ बच्चों के साथ बैठ के कुछ गपशप कर रहे थे। तो बस ये था एक सिंपल सा व्लॉग। जो लोग मुझसे बहुत अटैच्ड हैं वो इस तरह के व्लॉग्स की डिमांड अक्सर करते हैं और कभी अपनी डेली लाइफ आपके साथ शेयर करना मुझे भी अच्छा लगता है। जैस्मिन को यहाँ पे वाटर बॉटल्स भरते हुए छोड़ते हैं और आपके कॉमेंट्स का वेट करते हुए मैं विदा लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Take care and stay healthy.